हेलो एवरीवन, सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यूट्यूब पे कैसे कैसे वीडियो बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे से कुछ बहनें पूछी है कि अब मुझे मेकअप टिप्स के बारे में भी बताइए कि कैसे सिंपल मेकअप करें, किस तरीके से करें, मुझे मेकअप करना नहीं आता है। तो जिस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ, आज मैं आपको इस वीडियो में अपना मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से कम सामान में आप अच्छे तरीके से मेकअप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो। तो दोस्तों, जब भी आप मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश से पूरी अच्छी तरीके से धो लेना है। तो चलिए, इस वक्त मेरे पास फेस वॉश नहीं है बट मैं अपना हैंकी भिंगा चुकी हूँ, तो सबसे पहले अपना फेस क्लीन कर लूँगी। पूरे अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि आपके फेस में कोई भी डस्ट वगैरह नहीं रहे, क्योंकि आपको मेकअप करना है तो आपको इस बातों का ख्याल रखना है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा लैक्मे का फाउंडेशन। मैं मार्बल शेड लगाती हूँ, आप लोग अपने कलर टोन के हिसाब से मार्केट से ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन होता है ये। तो मैं इस पे बिलीव करती हूँ इसलिए मैं ये लगाती हूँ, मेरे चेहरे पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ जाता है। और उसके बाद आपको करना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि हाथ से ही टैप कर लेते हैं, मैं भी पहले करती थी, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मार्केट से जाके ये ख़रीद लेना है और डायरेक्ट आपको इसे नहीं लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम ग्लास लेंगे और ग्लास में से भिंगा लेंगे। आपको बिल्कुल फ्रेश वाटर लेना है, जैसे कि जो पानी आप पीते हैं वो पानी आपको यूज करना है, गंदा पानी का यूज नहीं करना है। जिस पानी में नमक ज़्यादा हो उस पानी का यूज आपको नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे इसमें रहने देंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, पानी में जाने के बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और हमें डायरेक्ट इस तरीके से इसे यूज नहीं करना है। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे पूरी तरीके से, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रखना है, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हम फाउंडेशन लेंगे और अपने चेहरे पे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे। जितना आपको लगाना हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आंखों के साइड में लगाइएगा ताकि डार्क सर्कल वगैरह जो भी है इससे आपको थोड़ा सा राहत मिले। मुझे तो मेकअप करने में बहुत ही मज़ा आता है, आप लोग को भी मज़ा आना चाहिए। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आप लोग एक बार जरूर अप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या इसका रिजल्ट आता है। तो चलिए अब हम करके दिखाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है। हाथ से लगाने पे बहुत ही रुखड़ा रुखड़ा सा आता है, लेकिन जब हम इससे लगाते हैं तो काफ़ी क्लीन एंड स्मूथ आता है। तो हमें इसका यूज करना है और अच्छे तरीके से इससे ही लगाना है। बचा हुआ जो भी फाउंडेशन हमारे हाथ पे था उसे हम अपने नेक पे अप्लाई कर लेंगे।
तो गाइज आप देख सकते हैं काफी क्लियर लुक आ रहा है। थोड़ा सा मैं मिरर में चेक कर लेती हूँ कैसा आया है। तो गाइज हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपके पास अगर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर है किसी भी तरीके का तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट का है तो मैं ये लगाऊंगी, लेकिन आपके पास जो भी आप लगा सकते हैं। और लैक्मे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, साथ ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में वो अच्छा होता है, लेकिन मुझे लैक्मे पे ही ट्रस्ट है तो मैं यही लगाती हूँ। अपने आंखों के पलकों पर इसे अच्छे तरीके से लगाएं ताकि आपका प्लक एकदम नेचुरल लगे। और बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है आंखों पे, मुझे भारी भरकम पसंद नहीं है। वो जो आंखों पे बहुत सारा पोत लेते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, सिंपल लुक ही मुझे पसंद है। आप लोग को भी सिंपल लुक चाहिए तो इसी तरीके से देखिएगा। तो गाइज हमारा सेकेंड स्टेप भी कम्प्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हम अपने आईब्रो को शेप देंगे। तो हमारे पास, मैंने इसे अमेजोन से मंगाया था, ये फैशन ब्रो का आइस, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो भी हम आईब्रो पे लगाते हैं आईब्रो पाउडर है। और इसमें दो सेट्स मिले हैं हमें। काफ़ी मेरा प्रोडक्ट पुराना हो चुका है, मैं इसे लगभग एक साल से यूज कर रही हूँ, लेकिन प्रोडक्ट इसमें इतना ज़्यादा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलिए, आपको एक ब्रश ले लेना है, कोई भी ब्रश आप मार्केट से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और ब्रश लेकर के आपको इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना एक्स्ट्रा आँखों में लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा आपको लेना है और अप्लाई कर लेना है। तो चलिए करते हैं। देख सकते हैं आप, एक आईब्रो कैसा था और एक आईब्रो कैसा है, दोनों पे अप्लाई करके हम आपको दिखाते हैं। गाइज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप लोग नहीं लगाइएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा सा लगेगा और लगेगा ऐसा कि आपने आईब्रो को पोत लिया है किसी चीज़ से। तो आपको उतना ही प्रोडक्ट लेना है जितना कि एकदम नेचुरल लगे, कम ही प्रोडक्ट ले और सही तरीके से लगाएं। एक बात और, बहुत सारे लोगों के आईब्रो बहुत कम होते हैं और छोटे भी होते हैं, तो आपको जब भी मतलब आईब्रो पाउडर आप जब भी लगाते हैं तो आप साइड से हल्का सा पतली सी लाइन खींच ले तो उससे आपका आईब्रो और भी लंबा लगेगा। मेरा तो पहले से ही काफ़ी लंबा है तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे भी लॉन्ग आईब्रो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए हमारा ये भी लुक कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट हम अपनी आंखों पे थोड़ा बहुत तो कुछ लगाएंगे ही, तो चलिए थोड़ा सा आई शेडो लगा लेते हैं। और बहुत सारा है इसमें, लेकिन मुझे नेचुरल लुक चाहिए तो मैं ये वाला शेड लूँगी, ये वाला मैं ये शेड ले लेती हूँ। इससे जैसा स्किन टोन है वैसा ही वो भी है, तो काफ़ी नेचुरल लुक आता है, बहुत ज़्यादा भरा सा मुझे नहीं चाहिए। तो ब्रश मैं नीचे, मतलब ब्रश मैं भूल गई हूँ, तो मैं अपने हाथ का ही यूज कर लूँगी। आप अपने हाथ में आसानी से ले सकते हैं और इसे अपने
आईज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ब्रश हो तभी आप लगा सकते हैं, बिना ब्रश के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप आँखों में लगाते हैं तो दोनों तरफ सेम प्रोडक्ट लीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा ले लिए एक तरफ कम ले लिए, तो एक तरफ हमारा आँख एकदम भरा भरा लगेगा और एक तरफ लगेगा कि जैसे मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। तो दोनों तरफ आपको सेम प्रोडक्ट लेना है, उतना ही क्वांटिटी में लेना है जितना आपने इस पर लगाया है उतना ही इस पर भी लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए काफी नेचुरल लुक है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी लगाया है, और देखने में काफी फ्रेश लग रहा है और आप देखने में बहुत ही प्यारे लगेंगे। मेरे ख्याल से लोग चेहरे पे जितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाते हैं वो भद्दे ही लगते हैं, इसलिए मुझे सिंपल मेकअप पसंद है। और आप लोग को पता नहीं कौन सा मेकअप पसंद है, मैं कभी आप लोग को वैसा भी मेकअप बताऊंगी, मतलब जैसा थोड़ा सा ब्राइट टाइप का जो मेकअप होता है, लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं है। मुझे और मेरे चेहरे पे खास करके सिंपल ही मेकअप अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम आगे जो है, मेरे पास ये कोलोजल का काजल है और ये काजल मैं अप्लाई करूँगी। काफ़ी डार्क कलर है इसका, एकदम ब्लैक है और बहुत ही अच्छा कलर इससे आता है। तो काजल मैं लगा चुकी हूँ, और जब भी आप ऐसे काजल लगाते हैं तो बिल्कुल बच्चों वाली लुक आती है, ऐसा लगता है जैसे काजल किसी से मांग कर छीन के ज़बरदस्ती लगा लिए हैं। तो आपको एक ब्रश लेना है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा अपने काजल को स्मज कर लेना है। अब काफी अच्छा लुक आ रहा है। अभी तक आपको हमारा मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप है, वो है लिपस्टिक लगाने का। तो जब भी हम लिपस्टिक लगाएंगे, अपना लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर का यूज जरूर करेंगे, क्योंकि लिप लाइनर आपके लिप्स को बहुत ही अच्छा शेप देता है और आपके लिपस्टिक भी इधर उधर नहीं फैलेंगे। क्योंकि अधिकतर जब हम ये लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो हमारा लिपस्टिक जो है वो इधर उधर हो जाता है, कहीं भी फैल जाता है। तो आपको जो भी कलर पसंद है आप मार्केट से ला सकते हैं और लिप लाइनर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर के आते हैं। तो चलिए हम लिप लाइनर यूज करते हैं। Thank you.
काश ऐसे ही मार्केट चली जाऊं तो कितना मज़ा आएगा, लोगों को लगेगा मेरा होंठ कट गया। तो अब हम लिक्विड लिपस्टिक का यूज करेंगे और अब हम लिपस्टिक लगाएंगे तो हमारा लिपस्टिक बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलेगा, क्योंकि हमें अपना शेप पता है कि कैसे कैसे लगाना है। तो गाइज फाइनली मेरा मेकअप कंप्लीट है। जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो हमें खास करके इस बातों का ख्याल रखना है, लिपस्टिक लगाना सबसे भारी काम होता है, खास करके जब हम लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं तो हमें बहुत सारे बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं तो याद रहे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक है तो नीचे का परत ऊपर चला जाएगा और आपका लिपस्टिक आधा अधूरा सा लगेगा, मतलब उखड़ा उखड़ा सा, भखरा भखरा सा लगेगा और लिपस्टिक देखने में काफ़ी ज़्यादा गंदा लगेगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जब भी लिक्विड लिपस्टिक लगाना है तो आपको अपने होंठ को इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो बताइए लुक कैसा लग रहा है। बहुत ही कम प्रोडक्ट में मैंने आपको मेकअप करना सिखाया है और सबसे लास्ट स्टेप जो कि औरतों का फेवरेट है वो तो है बिंदी। जब भी हम साड़ी पहनते हैं तो बिना बिंदी के तो कोई लुक ही नहीं आता है, तो बिंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लास्टली हमारा झुमका, ब्लैक पे सिल्वर झुमका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर आप जब भी ब्लैक कपड़ा पहनते हैं तो आप सिल्वर झुमका ईजिली आप वेयर कर सकते हैं। साथ ही ब्लैक पे रेड लिपस्टिक अच्छा लगता है, बट अभी मैंने जो लिपस्टिक लगाया है वो ऑरेंज है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड ही अच्छा लगता है, अगर आप सही तरीके से किसी भी चीज़ को लगाइए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस मेकअप मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट है और अब बारी है अपने बाल को। तो गाइस मेरा जो बाल है ना वो बहुत जल्दी कॉम्ब हो जाता है। रीज़न ये है कि मेरा बाल जो है काफ़ी सिल्की है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, प्लस मेरे पास ये वाली कंघी है। जब भी आप कॉम्ब का यूज करते हैं ना तो ऐसी कंघी यूज किया कीजिए, वो जो पतली पतली सी कंघी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके बाल को नुकसान पहुँचाती है और उससे सारा बाल टूट जाता है, फिर आपके फर्श पर बाल बिखरा हुआ नज़र आएगा और फिर आपको टेंशन होगा। तो आप इस तरीके की कंघी की हमेशा इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी सस्ती आती है, 20 से 30 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस कंघी का ही आप यूज कीजिए और कंघी को टाइम टाइम पे साफ किया कीजिए। मैं फिलहाल इसे 6 महीने से साफ नहीं की हूँ क्योंकि मेरे बाल में उतना ज़्यादा डस्ट नहीं रहता है, मैं टाइम टाइम पे अपना बाल धोते रहती हूँ, हर 2-3 दिन पे मैं बाल धो लेती हूँ और गर्मी के टाइम पे तो रोज़ रोज़ धो लेती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं धोना है, इससे आपके बाल को नुकसान पहुँचता है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है तो मैं धो लेती हूँ। तो गाइज थैंक यू सो मच, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपने मेकअप करना मेरे से सीख लिया है तो फटाफट जाइए और अपना मेकअप कीजिए और आप लोग भी सिंपल मेकअप करके
खुद पे देखिएगा कि मैंने जो स्टेप बताया है वो आप लोग को कैसा लगा। इसके बाद मैं आप लोग को ब्राइडल मेकअप या फिर आप जो लोग भी आप लोग बोलेंगी वो सब मैं दिखाऊंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बस अपनी राय देते रहिएगा और इस वीडियो पे जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट कर करके अपनी बातें बताइए। और वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।